मुजफ्फरनगर जनपद की पुलिस इन दिनों गौकशी पर नकेल कसे हुए है, जिसके चलते देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक बंद पड़े ईंट भट्टे से चार गौ हत्यारों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने दो तमंचे, कारतूस, दो चाकू, एक I-10 कार, एक जिंदा बछड़ा, गौवंश और गौकशी के कुछ उपकरण भी बरामद किए हैं। दरअसल देर शाम सिविल लाइन थाना पुलिस ने मदीना चौक पर संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। उसी दौरान पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 52 हेड़ी अंडरपास के पास एक बंद पड़े ईंट भट्टे में गौकशी का काम चल रहा है, जिसके चलते पुलिस ने जब देर रात ईंट भट्टे पर छापेमारी की तो मौके से पुलिस ने चार गौकश, इरफान, नवाब, मुल्ला कासिम और ताज मोहम्मद को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने दो अवैध तमंचे, कारतूस, दो चाकू, एक I-10 कार, एक जिंदा बछड़ा और गौकशी के कुछ उपकरण भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आए इन चारों गौ हत्यारों पर विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं, जिनकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। बहरहाल पुलिस ने इन सभी को पूछताछ के बाद आज जेल भेज दिया है। इस घटना की जानकारी देते हुए CO सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सिविल लाइन पुलिस को एक सूचना मिली थी कि 52 हेड़ी में जो रेलवे लाइन है उसके पास कुछ लोग गौकशी करने जा रहे हैं, जिस पर सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की। इस दौरान चार लोग पकड़े गए। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइन पुलिस को एक सूचना मिली थी कि 52 हेड़ी जो रेलवे लाइन है उसके पास कुछ लोग गौकशी करने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर जाके जांच की। जांच के दौरान इसमें चार लोग पकड़े गए हैं। तलाशी के दौरान इनके पास से दो तमंचे, दो जिंदा कारतूस और जो गौकशी के उपकरण हैं वो मिले हैं। इनके पास से एक I-10 गाड़ी भी मिली है और मौके पर एक लाल रंग का बछड़ा था वो भी बरामद हुआ है। उसको गौशाला भिजवा दिया गया है तथा इनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।